नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज फिर मिले 155 कोरोना पॉजिटिव, रांची में 62। झारखंड में आज कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। सोमवार को जांच के क्रम में 155 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई। आज सबसे अधिक रांची में 62 और जमशेदपुर में 50 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से आज कोई मौत दर्ज नहीं की गई। इससे पहले बीते दिन रविवार को एक साथ कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। कुल 314 संक्रमित पहचान की गई थी। इधर झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्यभर में तमाम बंदिशें लागू की है। सार्वजनिक परिवहन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने फिर से कड़ाई शुरू कर दी है। कहां से कितने मरीज मिले आइए जानते हैं। बोकारो में 5, देवघर में 1, धनबाद में 8, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 50, गोड्डा में 4, हजारीबाग में 2, जमताड़ा में 1, कोडरमा में 1, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 62, साहिबगंज में 9, सिमडेगा में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 2 लोग नए संक्रमित मिले। सरकार ने बदले वृद्धा पेंशन और अटल पेंशन के नियम। सरकार ने 1 अप्रैल से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पहले के मुकाबले सैलरी से अधिक पैसे पीएफ अंशदान में कटेंगे। सरकार की महती अटल पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकतम उम्र सीमा में भी बदलाव होगा। जल्द ही इस बारे में सरकार बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब तक सिर्फ 18 साल से लेकर 40 साल तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की इस योजना का फायदा मिल सके। ताज़ा हालातों में सरकार के नियमों के मुताबिक अटल पेंशन योजना में 210 रुपये मासिक जमा करने पर 5,000 रुपये पेंशन हर महीने अर्जित की जा सकती है। हालांकि इस वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत महीने में सिर्फ 42 रुपये जमा करने से भी की जा सकती है। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। पहले इंदिरा आवास मिला, अब दे दिया प्रधानमंत्री आवास। जांच में बड़ा खुलासा। जिन्हें इंदिरा आवास मिला था उन्हें फिर से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब लोकायुक्त के आदेश पर पूरे मामले की जांच की गई। यह मामला रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित बड़का चुम्बा ग्राम पंचायत का है। यहां जांच में खुलासे के बाद सभी संबंधित आरोपी से राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। रामगढ़ के उपायुक्त ने इससे संबंधित रिपोर्ट लोकायुक्त कार्यालय को सौंप दी है। मांडू के बीडीओ ने बड़का चुम्बा पंचायत के मुखिया से स्पष्टीकरण की मांग भी की थी। इसके बाद प्रभारी पंचायत सेवक व 3 लाभुकों से राशि की वसूली की गई है। प्रभारी पंचायत सेवक पर विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया के अधीन है। कुंभ मेला में पहुंचे भूतपूर्व सीएम रघुवर दास, गंगा में लगाई डुबकी, बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुंभ मेला में 2021 के पावन अवसर पर सोमवार को हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाई। इस क्रम में उन्होंने पतंजलि योगपीठ के सर्वेश्वरा बाबा रामदेव से हरिद्वार में सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत भी हुई। रघुवर दास कुंभ मेला 2021 में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे हैं। नितिन गडकरी 3 अप्रैल को करेंगे 2000 करोड़ के 25 NH प्रोजेक्ट का उद्घाटन। राष्ट्रीय उच्च पथ की 2 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास 3 अप्रैल को होगा। ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी आमंत्रित किया है। इसको लेकर गडकरी ने अर्जुन मुंडा को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी के साथ गडकरी ने तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। अर्जुन मुंडा को आमंत्रित करते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड की इन योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर 3 अप्रैल को 11 बजे सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे और फिर योजनाओं का शिलान्यास होगा। इंडियन रेलवे ने बदले कुछ नियम, अब यात्रियों पर लगेगा भारी जुर्माना। भारतीय रेल ने कुछ नियम कायदे बदले हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों में सफर के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया है। हाल के शताब्दी ट्रेनों में आगलगी की बड़ी घटनाओं के बाद महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं में कटौती का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही ट्रेनों में स्मोकिंग और ज्वलनशील पदार्थ को लाने ले जाने पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, इस लिहाज से सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटी भारतीय रेल ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब यात्री रात को अपना मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। वहीं सफर के तौर तरीके में बदलाव करते हुए रेलवे ने यात्रा के दौरान धूम्रपान करने या फिर ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है।
सांसद आवास पर संजय सेठ ने कार्यकर्ताओं संग सुनी पीएम के मन की बात। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सांसद संजय सेठ ने कार्यक्रम देखा। कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री के संबोधन के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज इस 75वें संस्करण के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, स्मृत बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी ने यह भी कहा कि आपने इतनी बारीकी नज़र से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की विषय है, आनंद का विषय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह कल की तरह ही लगता है जब 2014 में हमने मन की बात नाम से यात्रा की शुरुआत की थी। मैं सभी श्रोताओं और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कार्यक्रम के लिए इनपुट दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप देखिएगा कि देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देते रहेगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और कुछ न कुछ करने को जज्बा पैदा करेगी। होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होगी मोबाइल फोन और गाड़ियां। होली के उत्साह के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। अगर आप नया मोबाइल फोन या 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 से 2 दिनों में अपनी बुकिंग कर लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्र आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर, एडॉप्टर, गैजेट, बैटरी, हेडफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई जाएगी। इसका असर अब 1 अप्रैल से दिखने की संभावना है। मोबाइल फोन की कीमत करीब 3% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर जो मोबाइल फोन पहले 10,000 रुपए मिलता था, अब अगले महीने से 10,300 रुपए में मिलेगा। वहीं झारखंड विधानसभा में पारित मोटर वाहन कर रोपण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद गाड़ियों के दाम में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इस विधेयक के तहत अब नई निजी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत पर राज्य सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा। पहले यह व्यवस्था देश में लागू थी जबकि झारखंड में जीएसटी की राशि घटाकर उस पर टैक्स लिया जाता था, मगर अब 1,00,000 रुपए तक के एक्स शोरूम कीमत की 2 पहिया वाहन पर 7% और उससे ऊपर की गाड़ियों पर 9% टैक्स लगेगा। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में भीषण आग, 30 दुकानें जलकर राख। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में सोमवार की शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और पूरे मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी में 30 दुकानें जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ी 2 घंटे से आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगी कारण मार्केट में गैस सिलेंडर फटने को बताया जा रहा है। सोमवार की शाम को जिस समय सभी लोग होली के रंग और उमंग में डूबे हुए थे, उसी समय आग लगने की सूचना पाकर दुकानदार दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपने वस्त्र से कोई चापाकल से पानी लाकर आग बुझा रहा था तो कोई कुएं से पानी लाकर। आंखों के सामने उम्र भर की कमाई को जलते देख वहां चीख पुकार मच गई। भारत के क्रिकेटर इरफान पठान भी हुए कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खिताब जीतने वाली इंडिया लीजेंड्स टीम के खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव होना जारी है। अब तक टीम के कप्तान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ऑलराउंडर यूसुफ पठान और बल्लेबाज एस बद्रीनाथ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब इस लिस्ट में नया नाम यूसुफ पठान के छोटे भाई इरफान पठान का भी जुड़ गया है। उन्होंने इस बात की सूचना ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं बिना किसी लक्षण के कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आया हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं घर पर ही क्वारंटाइन पर हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में जो मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वह अपना टेस्ट करवा लें। सभी से कहना चाहता हूं कि मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। आप सभी की सेहत अच्छी रहे। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन की तैयारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने अफसरों से कहा, लॉकडाउन के स्ट्रेटेज बनाए हैं। एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा केस आने से चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। राज्य में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है और एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। कोरोना पर बनी टास्क फोर्स ने लॉकडाउन की सिफारिश भी कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव सीतारमण कुंटे से कहा कि तुरंत लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी बनाए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार को यहां 40,414 नए केस सामने आए। यह एक दिन में मिले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
इससे पहले 26 मार्च को 36,902 मामले सामने आए थे। बीते दिन राज्य में 108 लोगों की मौत भी हुई, इसमें से 58 मौतें नागपुर में हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 6,923 नए केस सामने आए, इसके अलावा 12 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में अब तक 3,98,674 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। अब तक 11,639 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।